everyone, how are you? I hope you all are doing well at your places. Today in this chapter, that is flowers and fruits, we are going to study about the what are seasonal flowers and what are the different uses of flowers. So first of all, let us talk about what are seasonal flowers. Dear children, you might have seen different types of flowers blooming in different seasons. कुछ फ्लावर्स जो हैं वो समर सीजन में खिलते हैं, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो विंटर्स में खिलते हैं. तो ऐसे फ्लावर्स विच ब्लूम इन डिफरेंट सीजन्स, दे आर नोन एज सीजनल फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल, हियर आई हैव गिवन यू द टेबल इन विच यू कैन सी देर आर वेरियस फ्लावर्स विच आर ब्लूमिंग इन समर्स आर लाइक यू कैन सी हियर लिली, चाइना रोज, डेफोडिल्स, लोटस एंड पेंजी. एंड इन विंटर्स you can see dahlia, marigold, chrysanthemum, rose and petunia. These flowers are, some are blooming in summers and some are blooming in winters. So flowers which bloom in different seasons are known as seasonal flowers. Now we must know which is the largest flower in the world. So the largest flower in the world is rafflesia. As you can see in this picture, it is a very big flower. It is the biggest flower in the world and it stinks. Iski jo smell hai, it is not pleasant, it is not good, it stinks. And kabhi baar ise corpse flower bhi kehte hain kyunki isse aise sade hue rotten flesh ki smell aati hai, isliye isko corpse flower bhi kaha jata hai. Next is your smallest flower in the world, and the smallest flower in the world is Wolffia globosa. ये सबसे छोटा फ्लावर है इस पूरे पृथ्वी पर. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ फ्लावर्स. डियर चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है. तो ऐसे फ्लावर्स जिनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उन्हें परफ्यूम्स बनाने के काम में लाया जाता है. जैसे कि बहुत कॉमनली रोज है, जैस्मिन है, केवड़ा है, लेवेंडर है. हियर आई हैव गिवन द पिक्चर्स. जैसे कि सबसे पहली पिक्चर जो है ये, दिस इज ऑफ केवड़ा, देन लेवेंडर एंड देन जैस्मिन. इन ये फ्लावर्स और भी बहुत फ्लावर्स हैं जिनको हम परफ्यूम्स बनाने के काम में ला सकते हैं. मोस्टली उन्हीं फ्लावर्स को परफ्यूम बनाने के काम में लाया जाता है जिनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है. नेक्स्ट इज सम फ्लावर्स कैन बी कुक्ड एंड ईटन एज अ वेजिटेबल. अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहली पिक्चर जो है ये बनाना फ्लावर की है. बनाना फ्लावर को साउथ में बहुत कॉमनली पकाया जाता है, उसे अलग अलग तरह की डिशेस बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं बनाना फ्लावर से, राइट. हियर यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग बनानास हैं और साथ में नीचे इसके फ्लावर्स भी हैं. देन नेक्स्ट इज योर कचनार. ये अगली पिक्चर है कचनार की. कचनार आपने घरों में बहुत कॉमनली देखा होगा, आजकल के सीजन में भी अवेलेबल होता है कचनार. कचनार की जो कलियां होती हैं उसकी सब्जी भी बनती है और उसके चटनी, अचार भी बनाए जाते हैं. सो इट इज़ वेरी कॉमन इन अवर प्लेस ऑल्सो. मंडी में भी कचनार जो है बहुत कॉमन है, जिसकी हम सब्जी भी खाते हैं और अचार भी डलते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. बेटा कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली दोनों फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, और ये दोनों हम वेजिटेबल के फॉर्म में हमारे घरों में, इट इज़ वेरी कॉमन कि ये घरों में पकती है, एज अ वेजिटेबल हम इसे खाते हैं. तो कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ये दोनों, दे आर दी फ्लावर ऑफ अ प्लांट. ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? दिस इज फ्लावर ऑफ अ प्लांट. नेक्स्ट इज सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन. मेडिसिन, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो दवाई बनाने के काम में भी आते हैं. अब वो सबसे पहले ये जो पिक्चर है ये है क्लोव की. क्लोव हमारे घरों में मसालों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिसे हम लौंग बोलते हैं. तो हुआ होगा कभी आपके दांत में दर्द हुई होगी तो मम्मी क्या कहती है कि ये जो लौंग है इसे अपने दांत के पास में रख लो, उससे दर्द को फर्क पड़ेगा. तो ये जो लौंग है, क्लोव जो है, ये एक्चुअली क्या होती हैं, ये क्लोव प्लांट की फूलों की कलियां होती हैं, बड्स होती हैं ये, जिन्हें जो सूख कर ये लौंग बन जाता है. इन्हें ड्राइड जो बर्ड्स हैं वो हैं ये लॉन्ग प्लांट की. तो ये जो है ये मेनली
किस काम में लाई जाती है? मोस्टली डेंटल प्रॉब्लम्स जो भी रहती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्लोव ऑयल होता है, ऑयल के बहुत बेनिफिट्स हैं, वो दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करता है, और भी कई इसके यूजेस रहते हैं। तो क्लोव का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर हम डेंटल प्रॉब्लम्स को क्योर करने में करते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर है ये है एर्निका फ्लावर की। एर्निका फ्लावर जो होता है इसको, इससे जनरली हम कोई लोशन या कोई मेडिसिन बनाते हैं, जो कि हमारे कहीं पे कोई जख्म हो गया है, वूंड हुआ है, या कोई इंजरी हो गई है, या कोई कट लगा है, उस पे हम इस लोशन को या इसकी कोई ऑइंटमेंट बनाते हैं, उसको लगाकर उसे हील करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट इज रोज फ्लावर। रोज का भी हमारी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी रहती है। जैसे कई बार क्या होता है आजकल गर्मियों में, इफ़ वी आर आवर आईज आर वेरी मच स्ट्रेस्ड और हमें कुछ ठंडक चाहिए होती है, तो व्हाट वी डू, रोज वाटर घरों में पड़ा होता है उसमें कॉटन डिप करके, वो कॉटन के जो बॉल्स हैं वो हम अपनी आईज पे रख के, हमारी आईज को काफ़ी कूलिंग इफेक्ट मिलता है, एंड इट इज़ ऑफ मेडिसिनल यूज ऑल्सो। सो दीज आर द क्लोव प्लांट, एर्निका एंड क्लोव फ्लावर, सॉरी एर्निका एंड रोज, दे आर यूज एज अ मेडिसिन ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज सम फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स। अब कुछ फ्लावर्स से हम कलर्स भी बनाते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड एज यू कैन सी इट इज येलो इन कलर, तो जो येलो कलर है मैरीगोल्ड से वो हम बना सकते हैं। इन फूलों को हम ड्राई करके उसका पाउडर बना दें, देन वी कैन मेक कलर्स आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज जीनिया। जीनिया जो एक फ्लावर है, इट कम्स इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, राइट? तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इसके कलर्स रहते हैं, तो ये हमें अलग अलग कलर्स बनाने में मदद करता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर कोई येलो है, रेड है, ऑरेंज है, देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ जीनिया। तो इसे भी कलर्स बनाने में मदद मिलती है, कलर्स विच आर नेचुरल कलर्स। जैसे होली में भी वी कैन यूज दीज फ्लावर्स टू मेक कलर्स, एंड दे विल बी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। सो दिस वॉज द लास्ट यूज ऑफ फ्लावर्स। इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लावर्स जो हैं उन्हें हम कॉस्मेटिक यूज़ में भी यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे टैल्कम, हमारे जो पाउडर्स हम यूज़ करते हैं उसमें कोई ना कोई फ्लोरल इंग्रेडिएंट रहता ही रहता है, ठीक है? जैसे लेवेंडर है, या रोज़ है, या जैस्मिन है, वो रहते हैं, राइट? तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फ्लावर्स हैं दे आर ऑफ यूज़ कॉस्मेटिक चीज़ों में भी, कॉस्मेटिक्स में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमने इतना कुछ पढ़ लिया है फ्लावर्स के बारे में, और हमने ये जान लिया है कि फ्लावर्स के बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं। कोई परफ्यूम्स बनाने के काम आ रहा है, कोई वेजिटेबल के फॉर्म में खाया जा रहा है, तो कोई हमारा मेडिसिन में काम आ रहा है, कोई डेकोरेशन में, शादियों में, बर्थडेज में, बहुत सारे फंक्शंस जो रहते हैं वहाँ पे फ्लावर्स से डेकोरेशन की जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं जिसमें फ्लावर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ कि वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स अननेसेसरली, हमें जब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर जो है प्लांट पे लगा हुआ ही खूबसूरत लगता है, वहाँ से तोड़ तोड़ लिया जाए तो उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। तो लेट्स टेक अ प्लेज दैट वी विल नॉट प्लक फ्लावर्स अननेसेसरली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग। थैंक यू।